आदाब सत श्री अकाल हेलो वड़कम मैं हूँ रिचा डिवाइन विजन आराधना पर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस वेरी प्रेशियस सो आई वॉन्ट टू से डीप थैंक्स आई मीन डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल माई फैंस ऑल द लवली व्यूअर्स Especially my subscribers, I love you all. And आपके इतने मान सम्मान ने आदर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके ऊपर थैंक यू सो मच और अगर आप नए हैं इस चैनल पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ताकि आप हमारी रिलेशनशिप कोचिंग गुफ्तगू ग्रैटिट्यूड के बारे में भी हम बात करते हैं ठीक है और टैरो वीडियो कैंडल बैक्स रीडिंग को मिस आउट ना कर जाएं तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं और ताकि आप जो सजेशंस पोस्ट करते हैं टॉपिक्स के ये देखने के लिए कि मैंने कवर किए हैं कब हुए हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रेस द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू इट सो यू नेवर मिस आउट ऑन एनी अपडेट सो फ्रेंड्स और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने स्नेह के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर लव ओके सो अभी जो है जो लोग टैरो रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं डिवाइन विजन आरडी के साथ और यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ रेमेडीज चाहते हैं काफ़ी लोगों ने हमारे रेमेडी से इतना फ़ायदा उठाया है आई मीन एज इन लाइक दे हैव मेड द मोस्ट ऑफ देयर लाइफ उन्होंने रेमेडी से उनको इतना फ़ायदा मिला है मेरा कहने का मतलब है कि यू नो उनकी लाइफ में सक्सेस आई है ब्लेसिंग्स आई हैं ट्रू लव आया है और नहीं और कुछ नहीं तो सेल्फ लव आया है सक्सेस ग्रोथ आई है ठीक है तो आप भी ये चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स हैं ईमेल और इंस्टाग्राम आईडी फेसबुक आईडी तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके या मेल करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और रीडिंग्स बुक कर सकते हैं कि अभी स्लॉट्स अवेलेबल हैं ओके बीच में ओवर बुकिंग हो गई थी तो ठीक है चलिए फ्रेंड्स तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है और यहाँ तक कि एक मच नीडेड रीडिंग है जो हम हर मंथ करते हैं अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है आपके लिए वो रीडिंग हम आज लेकर आए हैं और याद रहे कि जनरल रीडिंग्स होती है फ्रेंड्स जनरल रीडिंग एक पर्सनल रीडिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती तो जनरल रीडिंग जो है आप जो रेजोनेट होता है वो लीजिए बाकी को जाने दीजिए ठीक है ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ रेजोनेट करे या ज़रूरी नहीं है अगर एक पायल आप कुछ रेजोनेट नहीं करे तो बाकी की दो पायल्स देख सकते हो पूरी रीडिंग देख सकते हो नहीं तो प्योर पायल सेलेक्ट कर सकते हो यू कैन कम बैक इन अदर टाइम ओके तो चलिए हम शुरू करते हैं मैंने यहाँ पे आज 3 पायल्स रखे हैं तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग ओके जी तो मैंने जो कार्ड्स रखे हैं सिलेक्शन के लिए जस्ट अ मोमेंट जो कार्ड्स रखे हैं सिलेक्शन के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कार्ड नंबर 1 आई होप अगर आपको नहीं दिख रहा है जस्ट अ मोमेंट मैं मन में एक आइडिया आया है ओके सो लेट मी शो यू सम कार्ड्स बैक कवर बैक साइड ओके सो दिस इज कार्ड नंबर 1 दिस इज कार्ड नंबर 1 द एंजल आंसर्स डेक कार्ड नंबर 1 एंजल आंसर्स डेक ओके कार्ड नंबर 2 द ग्रीन वन द हार्ट साइकिक टैरो फॉर द हार्ट ओके द हार्ट टैरो ओके एंड द साइकिक ओरेकल द थर्ड वन पर्पल वन ओके दिस इज द थर्ड वन ओके सो क्लोज योर आईज टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्स से गॉसिप खुरा से कहीं सही पाल की तरफ आपको ले जाएं आपको डायरेक्ट करें ओके हम जब तक ओम चैंटिंग करेंगे ओम नमः शिवाय 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 आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू नीड मोर टाइम थैंक यू सो फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने सेलेक्ट किया था पायल नंबर 1 विच इज दिस एंजल आंसर्स डेक ओके आपके लिए जो मैसेज आया है वो आया है रीकंसिडर ओके रीकंसिडर यानी कि जो भी आप सोच रहे हैं जो आप बहुत मुझे स्पिरिट बोल रहे हैं जो आप बहुत बैडली चाहते हो ना
शायद वो आपके लिए आपके भले के लिए नहीं है, तभी शायद आपसे दूर है वो विश, वो गोल या वो पर्सन, तो आपको रिकंसिडर करना चाहिए अपनी विश को, ऐसा स्पिरिट कह रहे हैं। लेकिन बाकी आपकी चॉइस है, यहाँ पे वीडियो क्योंकि जस्ट बिकॉज रिकंसिडर का कार्ड आया है तो इसलिए छोड़ के मत चले जाइएगा, पूरी रीडिंग देख के जाइए आप, ठीक है। चलिए दूसरा एक और मुझे कार्ड जो आया है वो है ड्रीम, यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू। ओके, पहला मैसेज मुझे जो आ रहा है वो ये है कि आपके सपने सारे पूरे होंगे, ओके, आपके ड्रीम सारे पूरे होंगे, ठीक है, और आप में पोटेंशियल है ड्रीम्स को पूरा करने की। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि जिनसे आपकी शादी होगी, जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो आपकी विश पूरा करेंगे, चाहे वहाँ पे करियर गोल्स हों, आपके एम्बिशंस हों, वो पूरा करेंगे आपके एस्पिरेशंस को, ठीक है। बट फ्रेंड्स, याद रहे कि हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए अपने विश, अपने एम्बिशंस, अपने एस्पिरेशंस, हमें खुद में पोटेंशियल होनी चाहिए पूरा करने की, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए किसी से, ठीक है। बट जस्ट ये है कि वो सपोर्ट करेंगे, क्या पता वो पूरा कर दे, बट याद रखिए खुद में पोटेंशियल रखिए अपने सपनों को पूरा करने, ठीक है। ओके, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मुझे भी मैसेज आ रहा है कि जो पार्टनर आपको मिलेंगे या तो आपके एक्स से बेटर होंगे हर हाल में। ओके, सॉरी टू से दिस, बट आज जैसे जो क्वालिटीज आप ढूंढ रहे हो, सारी क्वालिटीज आपको मिलने वाली है अपने पार्टनर में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जिप्सी डेक से, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिटेल्ड रीडिंग, सो सिट विद योर टी, कॉफी, जूस और स्नैक्स, यू कैन बिंज ईट एज सम पीपल टेल मी। ओके, सिट टिल वेरी एंड ऑफ द वीडियो। ओके, आराम से फुर्सत से देखिएगा। ओके, और मैं रिवर्सल्स नहीं लूँगी अनलेस आई एम गाइडेड टू टेक रिवर्सल्स। ओके ओके, सो वी हैव द कार्ड इज अ रूम। Okay, I'm sorry if you guys can see a lot of reflection. Okay. This is also the living room card in some of the decks. Let me make space for the deck. Okay, then we have the card is 4, which I'm going to take in reverse. Okay, because initially reverse mein aaye the cards. Then we have doctor, which is in reverse. Okay, then we have wife, old woman. Excuse me if you can't see the cards, I'm going to tell you everything. Constancy, pleasure seekers, thief in reverse, and soldier. Okay friends, so from what I can pick up from the gypsy deck is ki mujhe ye dikh raha hai ki you're going to take some time to spend by yourself. Okay, aap apne saath kuch samay quality time solitude mein spend karna chahoge, ठीक है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। आपके जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, वो परास्त होंगे, यानी कि वो नहीं कुछ बिगाड़ पाएंगे आपका, ठीक है। और अगर आप अपनी केयर नहीं कर रहे हो, मुझे दो मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आप अपनी केयर नहीं कर रहे हो, कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट आप नहीं दिखा रहे हो खुद को, तो दिखाओ, ठीक है, योर बॉडी इज़ गिविंग यू साइंस। ओके, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आपको कोई ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो अब पूरा होने के, कंप्लीट होने के चांसेस हैं, वो ख़त्म होने के चांसेस हैं। तीसरा मैसेज मुझे आ रहा है कि अगर आपकी कोई बीमारी थी, कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, गॉड फॉरबिड, तो वो एंड होने वाली है, ठीक है। ऑलराइट, दूसरा मैसेज मुझे आ रहा है कि अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, आपके माइंड में कोई पर्सन चल रहे हैं, तो वो पर्सन अपनी फैमिली में ग्रैंड मदर या अपनी मदर से आपके बारे में बात कर सकते हैं, और वो आपसे शादी का ऑफर आपको दे सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो किसी फैमिली में जो ओल्ड वूमेन है, चाहे वो उनकी मॉम है या ग्रैंड मॉम है, उनके अप्रूवल के लिए रुके हुए हैं, इसलिए आपसे शायद बात नहीं कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन इशूज़ हैं,
बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो वो उनके अप्रूवल के बाद आपसे शादी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा मैसेज मुझे आ रहा है कि अगर आप मेल देख रहे हो या कोई तो है जो अपने पार्टनर में और इन लॉज में बैलेंस बना के नहीं चल पा रहा है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आप जो है थोड़ी अलर्टनेस के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। ओके, आई एम हियरिंग कंपैशन, कंपैशन, ठीक है। अगर आप खुद को दूसरे की जगह पर रह के देखें, और मुझे आई एम श्योर आप ऐसा करते होगे, बट अगर एक पर्सन ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखाए तो थोड़ा बेटर हो जाता है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा बैलेंस बेटर पहले से दिख रहा है आपकी पार्टनर में और आपके इन लॉज में, ठीक है, चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो, ठीक है। दूसरा, ज़्यादा स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में। ओके, आई कैन सी कि थोड़ी स्टेबिलिटी काफ़ी आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। दूसरा मुझे मैसेज आ रहा है कि पैशन आपकी लाइफ में आने वाला है, तो पैशनेट मोमेंट्स होंगे, इंटीमेसी होगी, ठीक है, चाहे आप सिंगल हैं या कमिटेड हैं। ओके, कोई पर्सन का कोई पर्सन आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए आ सकता है, तो अगर मतलब वैसे यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है, क्योंकि प्लेजर सीकर्स का कार्ड आया है, तो बिवेयर रहें, चौकन्ने रहें, सावधान रहें ऐसे पर्सन से जो प्लेजर के लिए आ रहे हैं आपके पास में। एंड स्पिरिट इज सेइंग कि वो हो सकते हैं शुरुआत में आपको लगे कि वो शायद सीरियस हैं या कुछ सीरियस हो सकता है इनके साथ में, लेकिन वो पर्सन एक्चुअली प्लेजर के लिए आ रहे हैं आपके साथ में, समथिंग शॉर्ट टर्म, ठीक है। ओके, दूसरा मैसेज मुझे आ रहा है कि आपका अगर कुछ दो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, कोई चीज़, कोई आइटम, कोई ऑब्जेक्ट आपका कोई खो गया था, वो मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपकी खो गई थी तो वो मिलने के चांसेस हैं। दूसरा, अगर कोई चीज़ आप मतलब लाइक मुझे दिख रहा है कि आपके अगर आइडियाज़ कोई चोरी कर लेता है, अगर आपकी आपको डर रहता है कि यू नो आप थोड़े सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने चाहे वो आपकी बिलोंगिंग्स हों, चाहे वो आपके आइडियाज़ हों, तो वो ज़्यादा कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपसे कुछ, अगर आपके आइडियाज़ चुराए, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन है वो यूनिक है, वो अलग है, आपकी ओरिजिनलिटी आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। ओके, ऑलराइट, दूसरा मैसेज मुझे आ रहा है, कोई पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्पाइक कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के लिए मुझे डोंट बी स्केयर्ड, बट रियल लाइफ में कोई पर्सन अपने फ्रेंड्स के थ्रू, किसी ना किसी माध्यम के थ्रू आपके ऊपर रियल लाइफ में भी नज़र रखे हुए हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, चाहे वो आपके प्रियजनों के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हों, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और मुझे आप थोड़े ज़्यादा अलर्ट रहने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है, अगर आप थोड़े मस्त मौला टाइप के पर्सन से, तो ज़्यादा केयरफुल, ज़्यादा अलर्ट आप रहने वाले हैं, किसी की नेवी में, पुलिस में जॉब लगने के चांसेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस में, ठीक है, और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कहाँ जा रहे हैं आप, अभी आप देख लेते हैं हम लोग की टैरो क्या कहता है, ठीक है। ओके, सो या, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, सॉरी, पेज ऑफ कॉइन्स, King of Swords, the Wheel of Fortune, Ten of Cups, Six of Swords. Just a moment. Yeah. So, देखिए friends, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आप हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं या हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, ठीक है, एक हार्ट ब्रेक आपका हुआ है या चल रहा है अभी हार्ट ब्रेक, ठीक है, और उस हार्ट ब्रेक के बाद, उस हार्ट ब्रेक के बाद मुझे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है, हीलिंग आते हुए दिख रही है, हीलिंग कनेक्शन, एक हील्ड पर्सन आते हुए आपकी तरफ दिख रहा है। यू नो व्हाट, गेस व्हाट, ये जो कनेक्शन है आपकी तरफ, जो पर्सन आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए यानी मैरिज के लिए आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, तो एक हार्ट ब्रेक के बाद आपकी शादी होने के चांसेस हैं, आपकी शादी होते हुए दिख रही है,
ठीक है, तो मुबारक हो एंड आई एम फॉर सम ऑफ यू, मुझे दो मैसेजेस आ रहे हैं कि या तो विद इन 10 मंथ्स या बाय अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर आपकी मैरिज हो जाएगी, ऐसे भी चांसेस हैं. ठीक है, एंड आपके चिल्ड्रन होंगे इस पर्सन के साथ में. अगर आपकी एज 30s में है या 40 में है एंड यू आर कंसर्न कि आपकी बच्चे चिल्ड्रन के आप कंसर्न हो चाइल्ड बर्थ को लेके, तो आपके बच्चे होंगे. अगेन इट्स जनरल रीडिंग, ओके. सो यू नो आपके बच्चे होंगे इस पर्सन से. एंड मुझे अभी एक चैनल मैसेज आया कि लोग देखते रह जाएंगे, इतनी हैप्पी मैरिज होने वाली है आपकी. ठीक है, ओके. मुझे लिटरली विजन आ रहा था कि लोग देख रहे हैं, कि आपके पिक्चर्स देख रहे हैं और नज़र लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नज़र नहीं लगा पा रहे, बिकॉज ये खुशियाँ आपने अर्न की हैं. ठीक है, बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत हार्ट ब्रेक के बाद, बहुत दिल दुखने के बाद, बहुत पेन सफरिंग के बाद, यू हैव अर्न दिस हैप्पीनेस इन योर लाइफ, यू डिजर्व इट. ओके, सो इसके अलावा मुझे जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपकी लाइफ में गुड लक आने वाला है. ओके, स्पेशली फ्रॉम अक्टूबर एंड टू नवंबर. ओके, आपकी लाइफ में गुड लक आने वाला है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, ऑस्पिशियस टाइम आने वाला है. अगर आप ये जानना चाह रहे थे कि गुड लक कब आएगा आपकी लाइफ में, उस पर अच्छे वक्त कब आएगा आपकी लाइफ में, तो वो आने वाला है अक्टूबर से नवंबर के आसपास. ठीक है, क्योंकि हम अक्टूबर की रीडिंग कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक रीडिंग है. ठीक है, तो अक्टूबर मंथ से नवंबर के आसपास गुड लक आने वाला है आपकी लाइफ में, ऑस्पिशियस टाइम आने वाला है. इस टाइम आपको लोगों को आपके ऊपर क्रश होगा, लोगों को आप आपकी लुक्स पसंद आएंगे, लोगों को आपके कैरी करने का तरीका खुद को पसंद आएगा, आपको इन्विटेशन आएंगे पार्टी के, यू नो. एंड इस तरह से मुझे दिख रहा है यू विल जेल वेल विद यंग पीपल. ओके, यू विल जेल वेल विद पीपल हु आर यू नो यंगर देन यू. ओके, हो सकता है कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें या कुछ यूथफुल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, ऐसा मैसेज भी मुझे आ रहा है. ओके, तो इसके अलावा स्पिरिट मुझे कह रहे हैं कि काफ़ी ऑप्शंस, प्रपोजल्स, जॉब ऑफर्स आपके पास आने वाले, गोइंग टू बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस. ओके, सो यू गोइंग टू हैव सो मेनी पीपल डाइंग फॉर योर अटेंशन एंड पिकिंग अप. ठीक है, काफ़ी लोग आपकी अटेंशन पाने के लिए तरसेंगे, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. और स्पिरिट कह रहे हैं कि आप थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचोगे और इमोशनल फूल की बनने की जगह आप प्रैक्टिकली सोचोगे, प्रैक्टिकली फैसले करोगे आप. ठीक है, ऐसा स्पिरिट मुझे कह रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर आप स्टडीज़ एग्ज़ाम्स को लेके कंसर्न हैं या स्कॉलरशिप इंटर्नशिप को लेके कंसर्न हैं, तो वो आपको मिलते हुए दिख रही है, उसमें क्लियर होते हुए एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हो या स्टडी से रिलेटेड कुछ कंसर्न हो, तो वो रिजॉल्व होते हुए सॉल्व होते हुए दिख रही है. कोई इशू, डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मन लगा के पढ़ाई करें, मन लगा के फोकस सिर्फ अपना पढ़ाई पर लगे. और मुझे दिख रहा है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होती हैं आपके पास जब आप पढ़ाई में या करियर में होते हो, करियर में या पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन बहुत होती हैं आपके पास में, तो डिस्ट्रैक्शंस की बजाय ध्यान सिर्फ अपने काम पे या अपने स्टडीज पे रखें. ओके, और इसके अलावा जो मैसेज मुझे आ रहा है वो ये है कि कुछ लोग, दो तीन मैसेजेस आ रहे हैं कि आप मूव ऑन कर जाएंगे किसी पास्ट पर्सन से, या कोई हार्ट एक था, पास्ट पर्सन नहीं है तो कोई हार्ट एक था, कोई बर्डन था, कोई गिल्ट था, कोई ग्रज था. ठीक है, तो उससे आप मूव ऑन करने वाले हो. ठीक है, दूसरा मैसेज मुझे आ रहा है कि ट्रैवल दिख रहा है आपका. ओके, आई कैन पिक अप ट्रैवल. ओके, ये ट्रैवल या रीलोकेशन कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ट्रैवल या रीलोकेशन कुछ भी हो सकता है. मुझे दिख रहा है कुछ लोगों ने किया है रिसेंटली रीलोकेशन, या आप करने वाले हो अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में. ठीक है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. नहीं तो नेक्स्ट सिक्स मंथ्स फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस वीडियो, यू आर लाइकली टू रीलोकेट. ओके, फ्रॉम योर करंट रेजिडेंस. ओके, दूसरा मैसेज मुझे आ रहा है कि अब्रॉड जाने वाले हैं कुछ लोग विद इन लाइक 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आप शायद अब्रॉड ही होंगे, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. ठीक है, और एक मैसेज आ रहा है कि अब्रॉड से कोई आने वाला है आपसे मिलने के लिए विद इन 3 to 6 months, मोस्ट पॉसिबली अक्टूबर में ही आ जाए. ठीक है, लेकिन शायद कोई अब्रॉड से आने वाला है आपसे मिलने के लिए,
और स्पिरिट कह रहे कि वो तरस रहे एक मुलाकात के लिए आपसे, ठीक है, ओके। दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि आप अब बुरे वक्त से अच्छे वक्त की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है, यू गोइंग टू मूव टू अ स्मूदर एंड बेटर टाइम्स अहेड, ओके। और इसके अलावा स्पिरिट कह रहे हैं आपकी खुशी में जो लिखा है, आपकी किस्मत में जो खुशियाँ लिखी है ना, जो जो भी आपकी किस्मत में खुशियाँ लिखी, जो आपकी हक की चीज़ है, वो कोई नहीं आपसे छीन सकता, ठीक है। आपको वो हक की खुशियाँ मिलेंगी, आपको अपने हक की सारी खुशियाँ मिलेंगी, ऐसे स्पिरिट कह रहे हैं। और मुझे एक मैसेज आया स्पिरिट की तरफ से कि अगर कोई चीज़, चाहे वो रिलेशनशिप है या कोई गोल है, कोई सपना है, जो अगर आपको पूरा नहीं हुआ है या नहीं हो पाता है, तो उसमें शायद आपको अगर दुख मिलना था, इसीलिए वो आपको पूरा नहीं हो पाया, आपको उस दुख से, पीड़ा से बचाने के लिए, ऐसे स्पिरिट कह रहे हैं, ओके। और इसके अलावा स्पिरिट कह रहे हैं कि आप थोड़े, कोई पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेकर आ सकता है, पर वो, उनको आपके ऊपर सिर्फ क्रश है, वो शॉर्ट टर्म का ऑफर हो सकता है, मैंने आपको जिप्सी डेक से भी बताया, आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये दिस विल कॉज यू अ हार्ट ब्रेक, अगर आप इस चीज़ के साथ आगे बढ़ते हो, शॉर्ट टर्म होने वाला, तो आप इमोशनल हो जाओगे, अटैच हो जाओगे, लेकिन ये पर्सन जो है निकल लेगा, ठीक है, तो इसलिए बेटर, आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए बेटर है कि आप दूर ही रहें ऐसी चीज़ों से, और इतनी जल्दी अपना दिल ना हारे किसी पर्सन के ऊपर, अनलेस दे विन ओवर योर ट्रस्ट एंड थोड़ा सूझबूझ के साथ, मेंटल अलर्टनेस के साथ काम लें, ठीक है, ओके। एक मेरा फर्ज है आपको बताना। दूसरा, कोई पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग सकता है, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है, ओके। और मुझे कुछ सेलिब्रेशन भी दिख रहा है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है कि बहुत अप्स एंड डाउन से के हैं आपने लाइफ में, बट दे कैन नॉट विद योर चार्म और दे कैन नॉट विद योर हैप्पीनेस, योर स्ट्रेंथ, योर टेनेसिटी, ठीक है, ओके। दूसरा, फैमिली में अगर हार्मनी की कमी थी, तो फैमिली में हार्मनी की कमी, फैमिली में हार्मनी वापस आते हुए मुझे दिख रही है, कोई इशूज़ अगर थे तो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, आपको फैमिली ट्रिप पे जाते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, या फ्रेंड्स लोगों के साथ में, कोलीग्स के साथ में कोई ट्रिप पे जाते हुए भी दिख रहे हैं आप मुझे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी पाइल वन की रीडिंग। अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एज वेल, एंड आई सी यू इन अनदर वीडियो, चला, ओके। फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने सेलेक्ट किया था पाइल नंबर 2, यानी कि ये कार्ड, ओके, द ग्रीन कार्ड, साइकिक टैरो फॉर द हार्ट, ओके, देखते हैं आपका क्या मैसेज है। वाओ, वी हैव द मैनिफेस्ट कार्ड, ओके 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 ओके। सो स्पिरिट कह रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, आप पॉजिटिव चीज़ों पे, पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करें, ब्लेसिंग्स पे फोकस करें, तो आप वो अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। आप नेगेटिविटी से ज़्यादा ग्रस्त हो या घिरे हुए रहते हो, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हो, नेगेटिव लोग हों, तो आप अनजाने में वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। जो खुशियाँ चाहते हो अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट करो, आपको मिलेगा, सिंपल एज दैट, ओके। सो देख लेते हैं आपका कार्ड क्या आया था। वी हैव द कार्ड इज वैल्यू, वैल्यू, ओके। सो दिस कार्ड इज सेइंग यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर, ओके। जो अगर लव लाइफ की बात कर रहा है ये कार्ड, तो आपको ऐसे, मुझे दो मैसेजेस आ रहे हैं, आपको ऐसे पर्सन मिलने वाले हैं, ऐसा पार्टनर जो आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी ओपिनियंस की वैल्यू करेंगे, आपकी जो आप शेयर करोगे अपने थॉट्स, फीलिंग्स, उसकी वैल्यू करेंगे, ठीक है, ओके। अपने एक्सपीरियंस जो शेयर करोगे उसकी वैल्यू करेंगे, ठीक है। और एक मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी वर्थ की, वर्थ पहचाननी है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर वर्थ एंड बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम, ठीक है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, ओके। सो चलिए और देख लेते हैं कि आपका जिप्सी डेक क्या कहता है, ठीक है, ओके, कि अक्टूबर 2022 में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, ओके। So the first card we have is waiting. Next we have malady. Next we have hope. Kya baat hai? Bataiye kya chal raha hai bhai? Lord. Okay. I would like to clarify these cards.
देखिए आप, आपको वेट है किसी पर्सन का, किसी ड्रीम का पूरे होने का, आपको वेट है कोई सपना पूरा होने का, कोई विश है आपकी जो पूरी नहीं हो रही, आप वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, ठीक है। तो उसका रिजल्ट ये होने वाला है कि मुझे जो कार्ड आया है वो आया है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, ओके। तो रियूनियन चाह रहे हो अगर किसी पर्सन से, तो रियूनियन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके उनके साथ में, ठीक है। थोड़ा वक्त लग सकता है इस चीज़ में, अगर आप उस पर्सन को चेज करते रहेंगे तो चांसेस कम हैं, ठीक है। अपनी पावर में आइए, क्या कर रहे हो भाई, अपनी पावर में आओ, ठीक है, अपनी पावर में आइए। रियलाइज़ कीजिए कि आप किसी से कम नहीं हैं और आप में अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता है, ठीक है, और आप एम्परर से या एम्प्रेस से कम नहीं हैं, ठीक है। अपनी वर्थ पहचाने, अभी यही थोड़ी देर पहले मैंने कहा, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज थे या कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश अगर करेगा तो वो मुंह की खाएगा, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, स्पेशली अभी डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो गए हो, आपको मिल गए डिवाइन प्रोटेक्शन, ठीक है। दूसरा मैसेज मुझे आ रहा है कि विद द होप कार्ड कि आप एक इटर्नल ऑप्टिमिस्ट होने वाले हैं, यानी कि अगर आप नहीं थे, अगर आपने अपनी होप खो दी थी किसी चीज़ को लेके या अपनी लाइफ में खुशियों को लेके, तो आपकी होप वापस आने वाली है, आपकी आप इटर्नल ऑप्टिमिस्ट होपफुल पर्सन बनने वाले हैं, पॉजिटिव सोच रखोगे लाइफ में। दूसरा, यू गोइंग टू ड्रेस वेल, फील वेल, गुड एंड लुक गुड, ओके। तो अच्छा फील करोगे, अच्छा दिखोगे, कपड़ों अच्छे कपड़े पहनोगे, यू नो, लाइक जो भी आपका अपने ड्रेसिंग स्टाइल में कुछ पॉजिटिव चेंज करने वाले हो आप, ओके। आई एम हियरिंग शॉपिंग, ओके। तो शायद आप थोड़ी शॉपिंग करने वाले हो, ये जो शॉपिंग करी है रिसेंटली, यू गोइंग टू ट्राई आउट न्यू लुक्स विद दोज आउटफिट्स, ओके। उन आउटफिट्स के साथ नया लुक आप ट्राई करने वाले हो, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है उन कपड़ों के साथ, ठीक है, ओके। सो ओके, अब देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स। और मुझे भी मैसेज आ रहा है कि जो पर्सन खुद अकड़ू खां बन के बैठे हैं वो आपकी तरफ आ सकते हैं, उनकी अकड़ जो है वो छोड़ के आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और भी कार्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे जिप्सी डेक से, ओके। वी हैव जॉयफुलनेस, ओके। देन वी हैव वेडिंग, ओके। देन वी हैव मनी, ओके। देन वी हैव गिफ्ट, ओके। तो भाई आपको गिफ्ट मिलने वाला है किसी से, ठीक है। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है आप लोग शायद कोई गिफ्ट करने वाले हो किसी को कुछ, लेकिन मोस्टली मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको गिफ्ट मिलने वाला है। कुछ लोगों को जो गिफ्ट मिलने वाला है लाइफ में, वो मॉनेटरी गिफ्ट हो सकता है या मनी की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। यानी कि अगर आपका बर्थडे नहीं है तो आपकी लाइफ में गिफ्ट ही आ रहा है कि मनी की फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। यानी कि मॉनेटरी अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, मनी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ठीक है, ओके। दूसरा मुझे ये मैसेज आ रहा है कि फाइनेंशियल गेन आपको होने के चांसेस हैं, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको फाइनेंशियल गेन होने के चांसेस हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन के या फिर आपके जो है सैलरी इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है। और मुझे मैसेज आ रहा है कि खुशी आएगी आपकी लाइफ में, आप ज़्यादा खुश, ज़्यादा हैप्पी महसूस करोगे। कोई रिलेटिव्स के साथ या फंक्शन कोई अटेंड कर रहे हो या ऐसे कुछ गेट टुगेदर है आपकी, ठीक है। शायद किसी को किसी वेडिंग का इनविटेशन भी आ सकता है, ठीक है। और मोस्ट पॉसिबली आपको कोई ऑफर मिल रहा है उस वेडिंग में, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, और कुछ लोगों को कोई पर्सन मिल रहा है उस वेडिंग में, ठीक है। और मुझे भी दिख रहा है कुछ लोगों की शादी की बात पक्की हो रही है, कोई रिश्ता आ रहा है आपके लिए अच्छा अक्टूबर में, और कोई पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं मोस्ट पॉसिबली उनके साथ आपकी शादी हो, ये भी चांसेस हैं। बट वे द प्रोज एंड कॉन्स, दिस इज जनरल रीडिंग, ओके। सो ये था आपका जिप्सी डेक, ओके। क्या हो रहा है आपकी, क्या आने वाला है अक्टूबर 2022 में आपकी लाइफ में फ्रॉम द जिप्सी डेक। अब देख लेते हैं टैरो की कहता है, ओके। टैरो क्या कहता है, ओके। फर्स्ट वी हैव इज नाइट ऑफ कप्स, देन वी हैव फोर ऑफ कप्स, देन वी हैव Queen of Swords. Then we have the Hanged Man. Okay, then we have Two of Cups. Lovely. And Two of Pentacles.
देन वी हैव द एम्प्रेस. अभी मैंने बोला था ना आपको थोड़ी देर पहले, एम्प्रेयर एम्प्रेस दोनों आ गए, देख लो. टेम्परेंस, ओके, ये चीज़ ही मैंने आपको बोली थी. टेम्परेंस का कार्ड आ गया कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं अपनी लाइफ में, या मिलनी शुरू हो जाएंगी, स्पेशली अक्टूबर नवंबर से. ठीक है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो गए हो अब. ठीक है, और पेशेंस रखो. मुझे पता है आपने बहुत पेशेंस रखा है, लेकिन थोड़ा पेशेंस और रखो. ठीक है, बिकॉज थिंग्स आर लाइकली टू गेट बेटर. अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलो. ठीक है, और डिसिप्लिन रखो अपनी लाइफ में. ठीक है, ओके, बैलेंस के दो कार्ड आ गए हैं, तो अब बैलेंस चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को बैलेंस करके चलें, चाहे आपके इमोशंस हैं, फाइनेंसेस हैं, करियर, वर्क लाइफ है, पर्सनल लाइफ. ठीक है, आपकी रिलेशनशिप्स हैं पर्सनल. ठीक है, तो उनको बैलेंस करके चलें. ठीक है, आप कर भी पाओगे, आप बैलेंस, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. अगर आप कुछ साइड हासिल करते हो, यानी सेकेंड दो इनकम के सोर्सेज हैं आपके पास, तो आप दोनों में बैलेंस अच्छे से क्रिएट करते हुए दिख रहे हो. ठीक है, दूसरा मैसेज आ रहा है कि कोई सोलमेट हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं. अगर कोई सोलमेट थे और उनके साथ कोई डिफरेंसेस चल रहे थे, तो उनके साथ बैलेंस वो आपकी तरफ खुद आते हुए दिख रहे हैं, और आपकी तरफ प्रपोजल, लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल भी आ सका है, मैंने आपको पहले ही बोला. ठीक है, दूसरा आपने जो है दो मैसेजेस दूंगी कि एक तो पास्ट में ना खोए रहें. पास्ट में खोने की वजह से जो फ्यूचर की ब्लेसिंग्स हैं, जो प्रेजेंट की ब्लेसिंग्स हैं, उनको आप इग्नोर कर रहे हो, विच इज़ नॉट गुड. दूसरा मैसेज, किसी को अगर आप थोपोगे ना खुद को किसी के ऊपर, वो आप पे कभी वैल्यू नहीं करेगा. ठीक है, जब आप किसी से कम नहीं हो, आपको भगवान ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतना सब कुछ, आप ब्रिलियंट हो, यूनिक हो अपनी जगह. ठीक है, तो क्यों, वाई ऑफरिंग योर कप ऑफ फ्रेंडशिप और लव टू समबडी हु इज़ नॉट इवन लुकिंग एट यू, जो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा, उसको अपना कप ऑफ फ्रेंडशिप या लव क्यों ऑफर करना. ठीक है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट अपने पास रखो, और डिग्निटी से उस सिचुएशन से वॉक अवे कर, जो आपकी किस्मत में होगा तो वो हो जाएगा. ठीक है, दूसरा, आप ज़्यादा ब्लंट, ब्लेटेंटली ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट होने वाले हो. ठीक है, थोड़ा आउटस्पोकन होने वाले हो, जो मन में होगा साफ मुंह पे बोल दोगे. थोड़ी कुछ लोगों को प्रमोशन हो सकता है, या आप लीडरशिप रोल, लीडरशिप सीनियर, कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं. ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी कोई मदर फिगर है, या यू नो किसी को जानते हो उसकी मदर फिगर है, वो आपकी रिश्ते को सपोर्ट नहीं कर रही, या अटका के रखा है चीज़ों को, या आपकी मदर फिगर है जो आपको सपोर्ट कम करती है, गॉड फॉरबिड. ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा वो उन्होंने लाइफ में कुछ चीज़ें, प्रॉब्लम, सिचुएशन जैसी देखी हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई, और आपका बॉन्ड थोड़ा इफेक्ट हो चुका है. ठीक है, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो, और ज़्यादा टेंशन ना लिया करो, उनकी बातों को दिल पे ना लिया करो, क्योंकि वो ऐसी ही हैं. ठीक है, दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि वो जो जो प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करना चाह रही है लेडीज़, मुझे बिल्कुल चाइल्ड बर्थ के चांसेस दिख रहे हैं, और कंसीव करने के चांसेस दिख रहे हैं. आपका ग्लो अप होगा, आप राइज करोगे, आप यू गोइंग टू लुक गुड, फील गुड, एंड परफॉर्म वेल इन योर करियर, इन योर पर्सनल लाइफ. ठीक है, नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो. मुझे मैनिफेस्टेशन सुनाई दे रहा है, आप अपने लुक्स में, ब्यूटी में, या पावर, सक्सेस मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो वर्क करेंगी, आपको भी दिखेगा, लोगों को भी दिखेगा. ठीक है, मुझे सुनाई दे रहा है वेट लॉस. ठीक है, तो कुछ लोगों का वेट लॉस होने जा रहा है, जो काफ़ी अच्छा वेट लॉस हो जाएगा आपका विद इन 3 मंथ्स या अगले साल मार्च तक, यानी कि 6-5 महीने के अंदर अच्छा वेट लॉस आपका दिख रहा है, कि लोग नोटिस करेंगे. ठीक है, और दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि कोई जॉब प्रपोजल, जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है. ठीक है, और हो सकता है शुरुआत पे आपको डिससेटिस्फैक्ट्री लगे, कोई प्रपोजल अगर आप करंट जॉब में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन, बोर्डम सा आपको हो सकता है लग रहा हो, या मन नहीं लग रहा हो. ठीक है, लेकिन वो कोई ऑप्शन चॉइस आपको दी जा सकती है, जो आपको शायद शुरुआत में आपको शायद थोड़ा आपका मन ना करे, लेकिन इवेंचुअली आपको पावर और ग्रोथ की तरफ ले जाएगी वो चीज़, वो चॉइस. ठीक है, ओके, सो दूसरा मैसेज मुझे आ रहा है कि
जो एम्बिशंस आपके हैं, जो एस्पिरेशन, जो सपने आपके हैं, वो उनको अचीव करने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस हम सबको करने पड़ते हैं, अननेसेसरी चीज़ों के सैक्रिफाइसेस, ठीक है, और तो वो ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, अगर लेट गो कर दो किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, अगर आपके वो बहुत स्टैग्नेशन में रही है या बहुत इट्स नॉट सर्विंग यू एनी मोर, ठीक है। और दूसरा, आपकी नई फ्रेंडशिप्स बनते हुए दिख रही हैं, जो फ्रेंडशिप्स हैं, एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स एग्जिस्टिंग, वो स्ट्रेंथन होते हुए दिख रहे हैं। कोई पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हो तो वो आपके लिए अच्छी दिख रही है, सबके लिए नहीं है, लेकिन पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो जाने के लिए कि पार्टनरशिप आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और आपकी मदर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स या एम्प्रेस की एनर्जी में आपकी तरफ आती भी दिख रही है, यानी कि अगर वो बहुत आप मतलब लाइक आपको प्यार नहीं मिलता था मदर या मदर फिगर का, तो वो मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है, मदरली लव, ठीक है। तो कोई अपॉर्चुनिटी बड़ी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, ठीक है, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। ऑल राइट, सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पैंटो की रीडिंग, आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ना सी अनदर वीडियो। हेलो पाल थ्री, कैसे हैं आप सब, आई होप यू डूइंग वेल। जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये पर्पल कार्ड यानी साइकिक टैरो, ओके, साइकिक ओरेकल, तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड आया है आपके लिए। वी हैव होप, lovely, so spirit is saying ki no matter how bad things are right now, no matter how worse things are getting for you right now, there's always hope, light at the end of the tunnel, and things are about to get better. Don't lose your hope, because don't lose your optimism, don't lose your positivity and faith, because it's going to lead you to higher and better realms, okay. aapko behtar cheezon ki taraf, behtar work ki taraf le jayega aapka vishwas, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी सकारात्मकता, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं कि लव कार्ड आपके लिए क्या आया है। ओके, द कार्ड इज लव, ओके ओके, व्हाट आई लव अबाउट यू फ्रॉम ए टू जी, ओके। सो मुझे जो मैसेज आया हुआ है कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो वो पर्सन आपको आपको जैसे हो पसंद करते हैं आपको, ठीक है, आपके बारे में हर बात उनको पसंद है, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं तो आप ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करिए और करने वाले हो, स्पेशली करने वाले हो, जो आप जैसे हो आपको वैसे पसंद करेंगे और आपकी हर बात उनको पसंद होगी, ठीक है। ऑल राइट, मुबारक हो, दिस गोइंग टू बी लॉट ऑफ लव बिटवीन बोथ ऑफ यू, बहुत ही लविंग रोमांटिक रिलेशनशिप आपका होने वाला है सिंगल्स लोग, और अटैच जो है रोमांस वापस आने वाला आपकी लाइफ में, ठीक है। ओके, सो चलिए देखते हैं आपका पहले जिप्सी डेक देख लेते हैं क्या होने वाला है अक्टूबर 2022 में आपकी लाइफ में। पहला कार्ड हमारे पास आया है सरप्राइज, देन वी हैव लवर, ओके, देन वी हैव थॉट, ओके, देन वी हैव ओ माय गॉड डिस्पेयर, ओके। So, friends, the message I'm getting over here is कि आप बहुत टेंशन ले रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको लग रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका चीज कुछ जो चाहा था वो नहीं मिला तो एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उम्मीद की किरण बाकी है, जैसे कि आपने होप कार्ड पिक किया था, ठीक है। और आपकी लाइफ में लव आ रहा है, सरप्राइजेस आ रहे हैं, लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मैं अभी कह रही हूँ कि हो सकता है आप थोड़ी ओवर थिंकिंग करें, थोड़ी सैडनेस की पोजिशन में आप मुझे दिख रहे हो, लेकिन आपने सैड नहीं होना, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। लव आते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में, ट्रू लव आते हुए और रोमांस आते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आएगा जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपका टैरो क्या कहता है। Then we have three of coins, justice, seven of coins, just a minute friends, okay. So then we have the knight of wands, ace of coins, seven of wands, king of wands, page of wands, Eight of Swords, Queen of Coins,
five of coins, two of swords. ओके सो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में ट्रू लव चाहते हैं तो अपना हार्ट चक्रा हील कीजिए पहले, ठीक है. और आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो नवंबर के एंड तक आप फैसला कर लोगे, ठीक है. नवंबर दिसंबर तक, अगर आपने फिर भी नवंबर दिसंबर तक फैसला नहीं किया तो फरवरी तक आप डेफिनेटली फैसला करने वाले हो, ठीक है. जनवरी के एंड तक या फरवरी तक आप फैसला कर लोगे नया स्टार्ट करने का अपनी लाइफ में, या जो भी चीज़ आपको होल्ड बैक कर रही है उसे आगे बढ़ने का, ठीक है. आप ये फैसला करने वाले हो, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है. उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि आपको करियर में बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है, कुछ नया स्टार्ट करते हुए आप दिख रहे हो, टीम वर्क अच्छा रहेगा, आप एक टीम प्लेयर रहोगे, आपको घर में भी लोग सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है. घर में भी टीम वर्क करते हुए लोग दिख रहे हैं, ये नहीं कि सारा बोझ आप पे छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है. पैशन रखोगे आप अपनी लाइफ के प्रति भी, करियर की तरफ, हॉबीज़ की तरफ, लाइफ की तरफ, ठीक है. काफ़ी अट्रैक्टिव लगने वाले हो आप, ठीक है. लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, जॉब मिल रही है या बिजनेस का आपका अच्छा चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है कोई बिजनेस, ऐसा मैसेज भी मुझे आ रहा है, ठीक है. प्रमोशन या मॉनेटरी गेन्स होने के चांसेस हैं, ठीक है. कार्ड्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही अपनी तरफ से कुछ, ठीक है. दूसरा मुझे दिख रहा है कि कोई हिडन ओपोनेंट्स आपके हैं जो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल बनो, लेकिन आपने अपने काम से काम रखना है, अपने जो है काम पे ध्यान देना है, दूसरा पॉलिटिक्स से दूर रहना है, ठीक है. और तो डटे रहो, विश्वास रखो खुद पे, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आगे ही बढ़ोगे अपनी लाइफ में, ठीक है, डिस्पाइट द हिडन ओपोनेंट्स, ठीक है. और इसकी तरफ, इसके अलावा मुझे आप किसी एडवेंचर पे जाते हुए दिख रहे हो, ट्रिप पे जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है. एबंडेंस आते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में, ठीक है. पैसा किसी को लेंड मत करना, देना मत, उधार मत देना, शायद हो सकता है आपको चांसेस हैं कि पैसे, जो पैसे हैं शायद आपको वापस मिलने के चांसेस कम है, तो इसलिए किसी को कोई चीज़ उधार मत देना, पैसा भी उधार मत देना, ठीक है. आप दूसरों, खुद को टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखते हो, दूसरों को रखते हो और फिर मुँह की खाते हो, क्या फ़ायदा. तो इसलिए पहले सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, अपनी प्रायोरिटी पहचानो, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानो, खुद को टॉप प्रायोरिटी पे रखो. लोग आपको बहुत डिसअपॉइंट करते हैं और हर्ट करते हैं, ठीक है. ओके तो मेहनत ही भी बहुत हो, बहुत मेहनत करते हो, रिजल्ट हर जगह नहीं मिलता, तो स्मार्ट वर्क करो, ऐसा मैसेज आ रहा है, ठीक है. दूसरा, ओवरथिंकिंग ना करो, ओवरथिंकिंग करने से बाल सफ़ेद होते हैं और रिंकल्स आते हैं और कुछ नहीं होता, तो ओवरथिंकिंग ना करो, ग्रो करो, ठीक है. ओके दूसरा मैसेज मुझे आ रहा है कि कोई पर्सन है, देखिए, या तो कोई मैरिड पर्सन है जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, ठीक है, या वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन म्यूचुअल है, ऐसा मैसेज भी मुझे आ रहा है. तो ये जो है लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म ही रहेगा, तो इसलिए बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन आप दूर रहें इन सब चीज़ों से, ठीक है. ओके सो मुझे मैसेज आ रहा है कि कोई पर्सन आपको, जिन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया था, दे विल कम बैक इन योर लाइफ एंड रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, रिकम्पेंसेट करने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू रॉन्ग राइट देयर रॉन्ग्स. ओके अपने गलत बिहेवियर को सही करने की कोशिश करेंगे वो. सॉरी, मैं बहुत भाग दौड़ कर रही थी अभी पहले, बैक टू बैक रीडिंग्स हो गई हैं मेरी, ठीक है. ओके सो तो मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे आ रहे हैं कि कोई पर्सन जल्दी से आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ में, तो ये पर्सन जल्दी से भागते हुए आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं और ये कमिटमेंट का ऑफर लेकर आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है. लेकिन आपने जो है कमिटमेंट से कम पे सेटल नहीं होना है, क्योंकि आपको थोड़ा माइंड गेम्स टैक्टिक्स अपनाने हो सकते हैं, आपको करने पड़े, ठीक है. ओके सो क्योंकि ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपसे और आपको एज अ कमिटमेंट मैरिज मटीरियल देखते हैं, ठीक है. और दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि आपकी कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, शादी हो सकती है, या किसी की शादी आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है. और आपको अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है अक्टूबर ऑनवर्ड, जैसा मैसेज भी मुझे आ रहा है, ठीक है. और मेहनत वही करो, इन्वेस्ट वही करो जहाँ आपको रिजल्ट मिले, ठीक है. तो इसको कैसे करोगे, टेस्ट अ लिटिल, इन्वेस्ट अ लिटिल एंड देन इन्वेस्ट अ लिटिल, टेस्ट अ लिटिल एंड देन मेक रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, फिर टेस्ट कीजिए, फिर बाकी के इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है. दूसरा मुझे दिख रहा है कि आप बहुत फियरलेस और डेयरिंग होने वाले हो, ठीक है. बहुत खुश, बहुत लाइवली, ठीक है, इस तरह से फील करने वाले हो. बहुत पैशन, अट्रैक्शन आप फील करोगे, अट्रैक्टिव भी फील करोगे,
ठीक है, और बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऐसा मैसेज भी मुझे आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपके बॉस या आपके सीनियर्स, कोई बॉस है शायद किसी के, जो उनसे अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। और कोई पर्सन जिनको आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, शुरू अभी हो सकता है, उनको थोड़ा अट्रैक्ट होने में टाइम लगे, उसका आपकी वर्क प्लेस पर हों या वर्क से कुछ लेना देना है, ठीक है। तो ओके, सो आप मुझे, आप अबंडेंस एनर्जी में जाते हुए देख रहे हो। बट फ्रेंड्स, याद रहे कि जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, पर्सपेक्टिव लाइफ की तरफ चेंज नहीं करोगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान नहीं दोगे, यार पॉजिटिव रहते हो तो आउटकम की तरफ आपका ध्यान रहता है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, ऐसे शिफ्ट नहीं आती लाइफ में। You have to shift things in your mind. You have to shift your perspective towards life and how you're handling them, okay? Your approach towards life to get the best out of life. ठीक है? So, ये थी आपकी reading. ओके, पाइल 3 आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं आपको मिलूंगी दूसरे वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन, आपके दिन शुभ रहे, और अक्टूबर मंथ आपके लिए खुशियां लेकर आए, यही मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। थैंक यू, सेयोनारा।